को बड़ा मजा आता होगा वहाँ से बनभाग पुल से यहाँ तक आने में। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें गिट्टी जो ढलाई जो किया गया पिचिंग वो मात्र आधा इंची मात्र किया गया है, उससे ज्यादा नहीं किया गया है। अच्छा जी, इंजीनियर का इंजीनियर सर उसी टाइम अगर उसको रोड का जांच करता है उसका छिटने सर कितना है, उसका क्या क्या बिट्टी हुआ, जो उसका बिट्टी कितना क्या हुआ और क्या था ढलाई परसेंट जो किया उसका भी उसका जांच किया, उस समय अभी तक ना ढलाई जांच करने के लिए नहीं आया इंजीनियर साहब। देखने के बाद ऐसा लगता है कि जानवर के पैर से ये टूट गया है, तो यहाँ मैं खोद कर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ इसके अंदर कितना मटेरियल दिया गया। सरकार तो दिया है रुपया ठेकेदार को, इतना तो दिया है सरकार, बहुत अच्छा किया, लेकिन ठेकेदार गद्दारी किया है, इसमें पैसा लूटा है रोड के लिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत आवाज भी नहीं उठा पाए कि फिर वापस चल जाएंगे तो कभी आएंगे भी नहीं, इसमें भी कुछ हम लोगों की कमजोरी है सरकार की। नमस्कार दोस्तों, अभी आप द न्यूज 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ मुकेश सिंह। अभी मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जिस जगह पर से 4 अप्रैल 2022 ईस्वी को मैंने एक खबर दिखाया था। अभी मैं उसी स्थान पर खड़ा हूँ और वो स्थान है बनभाग पुल के निकट। आप बोर्ड देख सकते हैं, बनभाग पुल है और सामने बनभाग पुल है आपको जो पूर्णिया की तरफ जाती है, और यहाँ पर जो शिलान्यास किया गया था सड़क का वो 4 सितंबर 2020 को शिलान्यास किया गया था। आप उस बोर्ड को देख सकते हैं कि श्रीमती लेसी सिंह माननीय विधायक जो धमधा की विधायक हैं उनके द्वारा 4 सितंबर 2020 को ये करवाया गया था शिलान्यास, और उस शिलान्यास के बाद 4 अप्रैल 2022 तक जब सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो मैंने यहां आकर वो रिपोर्ट दिखाया था, जो रिपोर्ट आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको लिंक भी दे देता हूं, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस सड़क की के निर्माण से संबंधित जो बोर्ड लगवाया गया था वो आप बोर्ड यहां पर देख लीजिए। पहले ये संवेदक है मेसर्स सिस्टमेटिक एंड एडवांस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा इस सड़क का निर्माण करवाया गया है, लेकिन ये कितने सिस्टमेटिक ढंग से निर्माण किए है इस कंपनी ने वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस सिस्टमेटिक कंपनी ने जो सड़क का निर्माण किया है, आप उस सड़क के निर्माण के बगल वाले फ्लैंक को देखिए किस तरीके से मिट्टी का कार्य किया गया है, कितना कम मिट्टी दिया गया है, और ये पिछले साल ये सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन अभी इस तरीके की उम्मीद की जा सकती है कि अगर बारिश का मौसम आए और जब तेज़ बारिश होगी तो फिर ये मिट्टी कहाँ कट के चला जाएगा, और उस मिट्टी के कटने के बाद जो रोड टूटेगा फिर उसकी जवाबदेही कौन लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं और मौजूदा वक्त में वो मंत्री भी हैं श्रीमती लेसी सिंह, उनके विधानसभा क्षेत्र का ये कार्य है, इसलिए ये सवाल और ज़ोरदार तरीके से उठता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जब इस तरीके का गुणवत्ताविहीन निर्माण किया जाएगा सड़क का, तो फिर अन्य विधानसभा में अन्य विधायक के क्षेत्रों में क्या हो रहा होगा और वहाँ के अधिकारी वहाँ के अभियंता क्या कर रहे होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सोचने वाला सवाल है। देखिए ये कलभट बनाया गया है और कलभट के बगल में जहाँ तक कलभट है वहाँ तक भी मिट्टी नहीं दिया गया है। ये आप देखिए जहाँ तक कलभट का आखिरी सिम मुहाना है वहाँ तक मिट्टी होना चाहिए था इस कलभट के पास, लेकिन वो कलभट के पास इस तरीके का मिट्टी यहाँ नहीं दिया गया है। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हुए हम आपको और आगे तक ले चलते हैं और ये जिस गांव को जाती है सड़क उस गांव तक हम पैदल सफ़र करके आपको दिखाते हैं कि किस गुणवत्ता के साथ इस सड़क का निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ भी फ्लैंक नहीं बनाया गया है, देखिए अगर बारिश होगी तो निश्चित ही पानी की धारा इधर से बहने लगेगी, और जब पानी की धारा बहेगी तो वो इस मिट्टी को काट देगा, और जब ये मिट्टी कट जाएगी तो फिर ये सड़क टूटने लगेगी। और ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफ ऐसा किया गया है, सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ उसी तरीके से मिट्टी का काम नहीं किया गया है। हालांकि जो जहाँ से सड़क की शुरुआत होती है वहाँ सामने में मिट्टी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद कहीं भी फ्लैंक में मिट्टी नहीं दिखता है। सड़क की गुणवत्ता का भी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको कि देखिए कि इस पर
कितना मेटल बिछाया गया है कि नीचे से घास उगाया है रोड को चीरते हुए। अब यहाँ भी देखिए, ये सड़क का निर्माण किया गया है, आप देखिए घास उगाया है रोड को चीर कर, तो कितना मटेरियल इसके अंदर डाला गया होगा। ये मैं तो तोड़ कर देख नहीं सकता और ना आपको दिखा सकता हूँ, ये तो अभियंता ही देखकर आपको दिखा सकते हैं। देखिए कैसे घास उगाया, देखिए ये, इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जानवर के पैर से ये टूट गया है। तो यहाँ मैं खोद कर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ इसके अंदर कितना मटेरियल दिया गया है। देखिए ये है मटेरियल, ये ईट है, ये सड़क के किनारे का हाल है। हो गया। ये इस बगल से दिखाइए, तो इधर से दिखाइए कितना मोटा है, ये देख लीजिए आप। इसी गुणवत्ता के साथ इस सड़क का निर्माण जीरो पॉइंट से लेकर आखिर पॉइंट तक किया गया है। चलिए यहां भी देख लीजिए आप, घास उगाया है सड़क को चीर कर। देखिए आप, जब जानवर के चलने के बाद जब सड़क टूट जाती है तो इस पर जब भारी गाड़ी गुजरेगी, भारी वाहन गुजरेगी इस पर से, तो इस सड़क का क्या हाल होगा ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यही दिखाने के लिए आज मैं इस सड़क का सफर कर रहा हूँ। चलिए आगे थोड़ा सा और चल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी सड़क के किनारे में कितना कैसा फ्लैंक बनाया गया है ये आप देखिए। यहाँ दोनों तरफ, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ में, सड़क के दोनों तरफ मिट्टी का कार्य नहीं किया गया है, ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और नहीं होने, मिट्टी का कार्य नहीं होने के कारण आप देखिए कि सड़क अभी ही टूटने लगी किनारे में। यहाँ दिखाइए आगे में, अब ये मिट्टी यहाँ से खिसकने लगी है, तो अब समझ सकते हैं कि ये सड़क कितने दिन टिक पाएगा। सामने भी आप देखिए, मैं आपको सामने भी दिखाता हूँ कि इस मोड़ पर किस तरीके से मिट्टी खिसक गया है और सड़क भी अब टूटने लगी है। यहीं से दिखाइए वो किनारे, देखिए आइए आगे बढ़ के थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये सड़क का मोड़ है और यहां से मुड़ते हुए हम बंगाली टोला पहुंचते हैं। देखिए सड़क के बाएं हिस्से में कि ये यहाँ दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से सड़क टूटा हुआ है। जब अभी टूट रहा है सड़क, तो आने वाले समय में और बारिश के मौसम में इस सड़क की क्या हालत होगी ये आप यहीं से देख सकते हैं। देखिए अब हम बंगाली टोला गांव पहुँच गए हैं और इस बंगाली टोला गांव के करीब में भी आप देखिए कि यहाँ भी फ्लैंक में मिट्टी नहीं डाला गया है। चल रहा है, बैठा रही है सर, मूर्ति विसर्जन है, सब लगा कर हो रहा है। हम लोग ही जानने के लिए आए हैं। अब तो आप लोग को बड़ा मजा आता होगा वहाँ से बनभाग पुल से यहाँ तक आने में। बिल्कुल बिल्कुल, पहले कीचड़ उचर हो जाता था, गाड़ी घोड़ा आने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी अभी जब हम सफर कर रहे थे उस सड़क पर तो हमको यह दिखा कि जानवर के पैर से भी रोड टूट गया। जी जी हाँ। किनारे किनारे ये देखने के लिए मिला, रोड पर घास उगाया है। तो जिस समय सड़क बन रहा था उस समय आप लोग इस चीज पर ध्यान नहीं दिए थे। बहुत आवाज उठाए थे। अच्छा, ध्यान नहीं दिया ठेकेदार, ठेकेदार को आप लोग बताए थे? हाँ, बहुत अच्छी तरह से बोले हैं, बहुत अच्छी तरह से बोले हैं। स्प्रे मार के गया है, स्प्रे मार गया है। जो देखिए ठेकेदार को जो संख्या हुआ, अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, जो उसका कहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। नहीं नहीं, आवाज क्या उठाएंगे, उसका काम है, वो करे किया। अब हम लोग उसका काम कैसे है, हम लोग का काम है। जब आपके आपके गांव की सड़क बन रही है, आपके गांव की सड़क बन रही है, तो उस सड़क में आप लोग अगर शिकायत नहीं करेंगे। कमजोरी है सर, इंजीनियर का कमजोरी है। अच्छा जी, इंजीनियर सर उसी टाइम अगर उसको रोड का जांच करता है, उसका थिटने सर कितना है, उसका क्या क्या बीटी हुआ, जो उसका बीटी कितना क्या हुआ, और क्या था ढलाई परसेंट जो किया उसका भी उसका जांच किया। उस समय अभी तक ना ढलाई जांच करने के लिए नहीं आया इंजीनियर साहब, अभी तक आया मुंशी आया, ठीक है ठेकेदार तो असर आते हैं ना, मुंशी साहब आते हैं जैसे तैसे काम कर चल देते हैं। उसका बीटी का थिकनेस कितना है और क्या कहते हैं अलकतरा का थिकनेस कितना, उतना भी चेक नहीं किया है। अलकतरा में पानी दे के मारा है,
अभी सर जो पौधा भी लगाया तो पौधा में उसको मेहनत करना चाहिए, पानी जैसे कि सर पौधा में पानी कौन लगाया, मुंशी लगाया, ठेकेदार का थ्रू से आया है, कौन सा है सर? वन विभाग ना, ना वन विभाग ने लगाया, ठेकेदार का दूसरी योजना से होता है, ना ना सर दूसरी योजना से, वन विभाग से ठेकेदार का योजना से आई है। तो आप लोग शिकायत किए थे हाँ। लेकिन आप लोग की शिकायत को सुनवाई नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं किया नहीं। तो फिर किसी नेताजी के पास जाते, ठेकेदार नहीं सुने तो किसी नेताजी के पास जाते, इंजीनियर के पास जाते, इतना कादो लगा होता लेसी सिंह किसी तरह रास्ता को पार किया। सरकार तो दिया है रुपया ठेकेदार को, इतना तो दिया है सरकार, बहुत अच्छा किया, लेकिन ठेकेदार गद्दारी किया है, इसमें पैसा लूटा है, रहते रोड के लिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत आवाज भी नहीं उठा पाए कि फिर वापस चल जाएंगे तो कभी आएंगे भी नहीं, इसमें भी कुछ हम लोग की कमजोरी है। सरकार क्या है ना, बहुत बढ़िया क्या है, बस ठेकेदार का इसमें प्रॉब्लम है, ज्यादा आवाज उठाएंगे तो उसमें भी वापस हो सकती है, यही बात है। कितनी मजबूरी होती है लोगों की कि वो आवाज भी नहीं उठा सकते हैं, इसलिए आवाज नहीं उठा सकते हैं कि उनके यहाँ जो योजना आई है वो कहीं वापस ना हो जाए, इस डर से भी वो आवाज नहीं उठा पाते हैं। लेकिन ये ध्यान देने की बात है, और खास करके जो स्थानीय नेता है और जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उनकी ये जवाबदेही बनती है कि सड़क का जब निर्माण हो रहा है तो उस वक्त वो सड़क का निरीक्षण करे, और अगर गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई करे, वो कोई अच्छा सा निर्देश दे। ये सड़क पर जो घास लगी हुई है, तो घास लगी हुई नहीं है बल्कि घास उगा है, जैसे उगा है घास को स्प्रे करके मारा है, घास दबाने वाला जो स्प्रे दवा ही होता है, हम लोग दादाजी का वर्ष करे छे, सरकार गलती नहीं है, गलती है ठेकेदार। कब बना है ये? पहली बार फर्स्ट टाइम बना था 2018 में, ठीक है। ये था 9 फीट का, छोटा सा था 9 फीट का। तो इसके बाद जो अभी जो मेन रास्ता है वो पिचिंग के साथ फिर से दोबारा ढलाई किया गया, इसको 9 फीट से बढ़ा के 12 फीट किया गया। कितने दिन पहले ढाला किया है ये? 2022 में लगभग अक्टूबर के समय में, 2022 के आसपास में, यानी 4-5 महीने पहले ये ढला गया। देखिए ढलाई कैसा है, पहले वाला रोड जैसा था उस रोड नहीं है। देखिए सड़क की गुणवत्ता यहीं से स्पष्ट नजर आती है कि ये गतिरोधक बनाया गया था, और गतिरोधक का हाल देखिए क्या है कि वो अभी टूट चुका है, सड़क तो टूट ही चुकी है। अब देखिए अभी ही इसका सरफेस उड़ चुका है, जिसको ऊपरी परत कहते हैं, ऊपरी परत उड़ चुका है, गिट्टी उखड़ने लगा है। आपका घर कहाँ है ये पहले बताइए? मेरा घर हुआ बनभाग बंगाली टोला, मेरा नाम है सुरेश मंडल। सर जब बारिश होती है तो ये सारा चारों तरफ जो है लबालब पूरा भर जाता है, और ये रोड के ऊपर से पानी बहता है, और कुछ दिन ही पहले आपको जून जुलाई में इतना बारिश हुआ था कि इस सब ये सारा कट गया था, मट्टी भरने के बावजूद भी सर उनको बोला गया कि और थोड़ा सा ऊंचा किया जाए, कम से कम तो नहीं तो 6 इंची 1 फीट ऊंचा किया जाए, तो वो भी नहीं किया गया। इसमें गिट्टी जो ढलाई जो किया गया पिचिंग वो मात्र आधा इंची मात्र किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं किया गया, जबकि नियम है कि कम से कम 1 इंची 1.5 इंची होना चाहिए। उनको बोला गया कि इसमें रोलर चलना चाहिए तो रोलर भी नहीं चलाया है, नहीं, पानी भी सही से ढंग से नहीं दिया गया है, और बारिश होता है तो चारों तरफ का ये मट्टी कट जाता है, गिर जाता है, ये रोड तुरंत ही का तुरंत ये गिर जाता है, ये अगर देखिएगा जून जुलाई में आप अगर यदि न्यूज लेकर के आइएगा तो देखिएगा ये रोड कटा हुआ मिलेगा आपको, ये रोड सही सलामत नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ इतना बात है कि ये रोड जो था कच्ची था और कुछ प्राइवेट जमीन में पड़ता था, तो लेसी सिंह जो हमारा विधायक जो है वो सोल्व किया है, सोल्व करने के बाद में जो है ये कच्ची सड़क को पक्की बनाया गया है। देखिए इंजीनियर साहब, आप यहाँ आए कि नहीं आए ये हम लोगों को भी पता नहीं है, और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इस बात की खबर नहीं है कि आप यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो देखा है वो बता रहे हैं कि ये 0.5 इंची इस पर पिचिंग किया गया है। ये जाँच का विषय है, और आपसे आग्रह है कि इस सड़क का जरूर आप एक बार निरीक्षण करके इसकी जांच कीजिए कि किस गुणवत्ता के साथ इस सड़क का निर्माण किया गया है। अभी मैं बनभाग पुल से बंगाली टोला गांव तक जो सड़क बनी है उस सड़क की भौतिक स्थिति से आपको अवगत करा रहा था, और
स्थानीय लोगों ने, बंगाली टोला के ग्रामीणों ने जो कहा सड़क की गुणवत्ता को लेकर, ये भी आप सुन पाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका, इस सड़क की निगरानी कौन करेगा? और ऐसा भी नहीं है कि ये गुणवत्ताहीन सड़क का ये पहला सड़क है ऐसा निर्माण, इस तरीके का लगातार गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण हो रहा है। हालांकि सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है 4-5 महीने पूर्व ही, और सड़क के निर्माण के बाद बंगाली टोला के ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है कि उनके गांव तक सड़क बन गया, और ये खुशी का श्रेय वो अपने विधायक, अपने क्षेत्र के विधायक लीसी सिंह को देते हैं, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, कि कार्यकाल में ये सड़क का निर्माण पूर्ण हो पाया। अगर वो नहीं रहती तो हम लोग आज भी कच्ची सड़क में ही सफर करते रहते। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप द न्यूज 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।